दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन के किसी भी एप्लीकेशन में जो है पासवर्ड लगा सकते हैं। देखो यार, आज के टाइम में एंड्रॉयड फ़ोन कौन नहीं यूज़ करता है, आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ, हम सभी यूज़ करते होंगे। ऐसे में हम नहीं चाहते कि हमारे स्मार्टफोन में जो एप्लीकेशंस है उनको कोई दूसरा बंदा एक्सेस करे या फिर दूसरा बंदा कोई जो है उसको ओपन करे। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने एप्लीकेशंस में जो है पासवर्ड लगा के रख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के एप्स में जो है पासवर्ड कैसे लगाएं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखना। इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने ऐप्स में जो है या तो सारे फ़ोन के सारे ऐप्स में या फिर आप किसी भी स्पेसिफिक ऐप में जो है पासवर्ड लगा के रख सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, किसी भी ऐप्स को लॉक करने का जो ऑप्शन होता है वो आपके फ़ोन के अंदर ही एक फीचर होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे आप इसके थ्रू जो है अपने एप्लीकेशंस को जो है लॉक कर पाएंगे। अगर आप लेटेस्ट फ़ोन यूज़ करते हैं तब तो ये आपको फीचर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आप बहुत पुराना फ़ोन यूज़ करते हो और उस फ़ोन में शायद आपका ये फीचर ना हो। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, बस आप नीचे कमेंट्स करना वीडियो में कि हाँ मेरे फ़ोन में ये फीचर नहीं है, आपके लिए भी मैं आपको वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इस फीचर के थ्रू जो है हम अपने एप्लीकेशंस को जो है प्रोटेक्ट करेंगे यानी कि पासवर्ड लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा फीचर है जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशंस को पासवर्ड के थ्रू लॉक कर सकते हैं। तो अभी ये जो फीचर है, इस फीचर का नाम है ऐप लॉक। अगर आप कोई लेटेस्ट फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको ये फीचर मिल जाएगा इजीली, और पुराना कोई ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं तो शायद आपको ये नहीं मिले। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली दोस्तों आपको अपने सेटिंग के अंदर आना है, और यहाँ सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको ढूंढना है ऐप लॉक वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैं रियलमी का ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप कोई दूसरे ब्रांड का फ़ोन यूज़ करें। तो मेरे केस में प्राइवेसी वाले ऑप्शन के अंदर में है ऐप लॉक का ऑप्शन, हो सकता है आपको सीधा ऊपर ही मिल जाए। अगर नहीं मिले तो आपको मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना और ऐप लॉक लिख देना। ठीक है, यहाँ पे सर्च करो आप ऐप लॉक। मैंने सर्च किया, देखो मेरे फ़ोन के अंदर 3 ऐप लॉक ऑप्शन है, तो ये जो थर्ड वाला है प्राइवेसी, इस पर मैं जाऊँगा तो मैं सीधा उसी जगह पर पहुँच जाऊँगा। वेल, मैं आपको मैनुअली चल के दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पर जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया प्राइवेसी के अंदर, तो और नीचे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐप लॉक का, इस वाले ऑप्शन के अंदर मेरे को जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। अब ये डायरेक्टली अब यहाँ पे चाहोगे तो पैटर्न भी डाल सकते हो, लेकिन देखो मैंने कम्प्लीटली फ़ोन के ऊपर जो है एक पासवर्ड लगा कर रखा है कि जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो मेरे को पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी आपका फ़ोन में मेन पासवर्ड लगा है वही पासवर्ड यहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका फ़ोन जो है लॉक है। तो चलिए वही पासवर्ड मैं अब यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, और पासवर्ड डालने के बाद अब देखो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में है वो यहाँ पे दिखने लगा। आप चाहोगे तो अब जिसको भी मन आपका हो उसको आप यहाँ से जो है लॉक कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे जो 6 एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे टिक है, तो ये 6 एप्लीकेशन को मैं लॉक करके दिखाता हूँ, जिसमें से व्हाट्सएप है, फ़ोटोज़ है, मैसेंजर है, मैसेजेस है, और फेसबुक है, और कॉन्टैक्ट है। ठीक है, चलिए मैं इन 6 एप्लीकेशन को जो है मैं लॉक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए नीचे आपको लॉक का ऑप्शन है और 6 लिखा है, मैंने लॉक किया और ये बोल रहा है कि यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट इज़ रिकमेंडेड एज इट इज़ मोर सिक्योर एंड कॉन्वीनियंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि फिंगरप्रिंट को भी आप इनेबल कर दें जिससे कि और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगा और आपने अपना फिंगरप्रिंट ऑलरेडी यहाँ डाल रखा है तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो मैंने यूज़ कर दिया और ये फिंगरप्रिंट भी जो है इसमें ऐड हो गया। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लॉक हुआ या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ, अभी आपको यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ। देखिए यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, लिख रहा है यूज़ फिंगरप्रिंट टू ओपन फ़ोन, तो वेरीफाई पासवर्ड में करूँगा तो वही पासवर्ड डालना है जो वहाँ पर डाला हुआ था, और अगर मैं फिंगरप्रिंट यूज़ करूँगा तो मेरा खुल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से, अच्छा चलिए मैं फ़ोटोज़ को खोल के दिखाता हूँ, मैंने फ़ोटोज़ भी लॉक किया था ना, मैंने फ़ोटोज़ को दिखाता हूँ खोल के, किधर है फ़ोटोज़, यहाँ सर्च करता हूँ फ़ोटोज़, ये देखिए फ़ोटोज़। अब मैंने इसको भी ओपन, ये देखिए ये भी लॉक हो चुका है, वापस इसको मैंने ओपन किया, ये भी ओपन हो गया। अभी चलिए हम वहाँ से पासवर्ड को फिर से हटाते हैं, रिमूव करते हैं। अब रिमूव करना कैसे है, तो सिंपली आपको उसी वाले ऑप्शन पे फिर से आ जाना है, और ऐप लॉक के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ से अपना पासवर्ड फिल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है,
अभी आपने तो यहाँ से इनेबल कर दिया है। देखिए जो भी इनेबल हमने किया था वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप, एक मिनट व्हाट्सएप, हाँ देखिए व्हाट्सएप, और आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के आगे यहाँ पे एक लॉक का आइकन बना हुआ है। इसका मतलब ये लॉक है, ठीक है। जो जो एप्लीकेशन लॉक है वो यहाँ पे ताला ऐसा लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे इनेबल पासवर्ड वेरिफिकेशन, इसको डिसेबल कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम्प्लीटली आप चाहते हो सबको एक साथ बंद कर दें तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाला आपको सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको आना है और सिंपली आपको यहाँ पर रीसेट ऐप लॉक जो है इसको आपको टच करना है और सारा का सारा जो है रीसेट हो जाएगा, ठीक है। आपका जितना भी था वो सारा रीसेट हो गया है। अभी मैं आपको वापस से चलता हूँ फ़ोटोज़ के अंदर और दिखाता हूँ कि फ़ोटोज़ क्या ओपन हो रहा है या फिर नहीं। तो ये फ़ोटोज़ आया, ओपन किया, देखिए डायरेक्ट ओपन हो गया, मतलब विदाउट पासवर्ड का जो ओपन हो गया, ठीक है। अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, कॉन्टैक्ट ओपन किया, डायरेक्ट ओपन हो गया विदाउट किसी भी पासवर्ड का या फिर फिंगरप्रिंट का, ये ओपन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी इजी वे में और काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी कमाल का फीचर है जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर यूज़ नहीं करते हो तो यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपको प्राइवेसी के लिए ये भी जो है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आपका फ़ोन भी सिक्योर होगा। दूसरा बंदा जो है आपके फ़ोन में ताक झाक नहीं कर सकता है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है बिना आपके परमिशन के। तो बस दोस्तों ये कुछ टिप्स था जो आप सभी को देना था। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितने आसानी से कुछ स्टेप्स के अंदर हमने सीख लिया कि हम अपने स्मार्टफोन के किसी भी एप्लीकेशन को पासवर्ड लगा के लॉक कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब आपका कोई भी ऐप एक्सेस नहीं कर पाएगा कोई भी बंदा बिना आपके परमिशन के। ये आपके अगर प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। और हाँ दोस्तों एक बात बताना जरूर नीचे कमेंट्स में कि क्या आपके फ़ोन में भी ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसको पासवर्ड लगाने की जरूरत है, येस और नो बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है वो जाके आप फॉलो कर लो। अभी मैं उधर भी अपडेट हूँ और वहाँ भी आपके सारे DMs का जो है मैं रिप्लाई करूँगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।